जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। चलिए बढ़ते हैं बांदा से एक खबर की ओर। आपको बता दें, मामला जनपद बांदा के शहर कोतवाली के पलहरी रोड का है, जहां के रहने वाले राकेश राजपूत ने सूचना दी है कि उनके इकलौते 10 वर्षीय पुत्र आलोक राजपूत का किसी ने 31 अक्टूबर को अपहरण कर लिया था तथा अपहरणकर्ताओं ने दिनांक 1 नवंबर को उनसे 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी और उन्हें धमकाते हुए यह भी कहा था कि यदि उन्हें पैसे नहीं मिले तो वह उनके मासूम की जान भी ले सकते हैं, जिससे कि परिवार जनों में कोहराम समझ गया। परंतु पुलिस की सक्रियता के चलते शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर बच्चे की बरामदगी हो गई है तथा बच्चे को सकुशल वापस देखकर परिवार जनों ने चैन की सांस ली है। सर, आज ये किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? दिनांक 31 तारीख को ये सबेरू रोड पर स्थित है, वहाँ पर रहने वाले राकेश राजपूत ने सूचना दी है कि उनका 10 वर्षीय इकलौते को किसी ने अपहरण कर लिया है। उनके सूचना पर तत्काल आयोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई, जिसमें एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और कोतवाली नगर की 2 टीमें इसमें गठित की गई और इन लोगों ने तत्काल इस पर जो है काम करते हुए सर्विलांस के माध्यम से पूरे घटनाक्रम का जो है खुलासा किया है। इसमें उनके जो वादी मुकदमा है, उनका एक किराएदार है, उस पर जो है शक की सुई आने पर उनके मोबाइल नंबर को सर्विलांस से ट्रेस किया गया और कुछ ऐसे असामान्य नंबर मिले, जिससे जो है कुछ जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनका एक चाचा का लड़का है, उसका नाम दीपचंद है, दीपचंद और उसके दीपचंद के मामा के लड़के, उसका नाम रविंद्र कुमार है, इन दोनों लोगों ने उन्हें जो है लड़के का जब उनका धार्मिक आयोजन चल रहा था गिरजा देश हाउस में, उसको खाना फुसला करके ले गए थे और इन दोनों ने उसको ले करके अजय जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पड़ता है वहाँ पर एक बबलू की बगिया है, वहाँ पर ले जा करके उसको रखे थे। फिर सर्विलांस की टीम ने उसको ट्रेस किया वहाँ पर कि बबलू की बगिया में ये वहाँ पर ये मोबाइल काम कर रही है। उनके इस मोबाइल के आधार पर जो है हमारी टीम वहाँ पर छापेमारी करने के लिए गई थी, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से अपना जगह छोड़ चुके थे। बाद में ये करतल नारायणी रोड पर ये जो है इनको गिरफ्तार किया गया तथा इनके जिस मोटरसाइकिल से जा रहे थे उस मोटरसाइकिल पर बच्चे को बैठाए हुए थे, मोटरसाइकिल भी इसमें बरामद हुई है और प्लस जो इनके द्वारा जो मोबाइल इस्तेमाल किए जा रहे थे वो सारे मोबाइल और कार्ड डिटेल इनकी प्राप्त हुई है। इस प्रकार इनके द्वारा जब बाद में पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि ये इस लड़के को हम वापस बांदा ला रहे थे और इसी समय करीब रात में 11:15 पर इन्होंने वादी के मोबाइल पर 10 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड किया था कि 10 लाख रुपए आप तैयार रखो, हम आपके बच्चे को लेकर जा रहे हैं। और इसी दौरान जो है जब ये गिरफ्तार हुए और फिर इसके बाद इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में बताया कि हम लोग बांदा इसको ला रहे थे और वहाँ पर ला करके फिरौती की रस्म वसूलने के बाद इस बच्चे की जो है हम लोग हत्या कर दी। तो क्या हत्या करने की बात करें, क्या कुछ वजह थी क्यों हत्या करने की? मात्र जो है तो उनकी पहचान उससे उजागर थी, क्योंकि वो बच्चा जो है वो जानता था कि इसका अपहरण करने वाले कौन लोग हैं, इस वजह से बच्चे की हत्या कर देते हैं, बाद में अपने नाम का कहीं समाचार न हो जाए इस वजह से हत्या कर देते। और इस प्रकार हमारी टीम ने इसमें बहुत ही एक सराहनीय कार्य किया है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये इनाम घोषणा की गई है और वादी मुकदमा द्वारा भी उसमें काफ़ी प्रसन्न होकर के पूरी टीम को 54,000 रुपये देने की बात कही गई है और ये हमारे पूरे क्षेत्र की जनता भी इस पुलिस के लिए कार्य की जो है सराहना कर रही है।